हेलो वेलकम टू स्टडीज डेली करंट अफेयर्स में आज हम फर्स्ट ऑफ अगस्त का करेंट अफेयर्स देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हैज बीन द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन को टर्मिनस बेसिस तो ये है हार्दिक हार्दिक सतीश चंद्र शाह तो ये गुजरात कैडर के आई ए एस ऑफिसर है आई ए एस ऑफ गुजरात कैडर देखो एक टर्म यहाँ आया है को टर्मिनस बेसिस टर्मिनस बेसिस का मतलब होता है कि ये जो ऑफिस सपोज पीएम का जो ऑफिस है ये यानी कि नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर है वो तब तक इस पोस्ट पे रहेंगे आगे, आगे ये या फिर ये जो है, या ये तो रिटायर हो जाए जस्ट इमेजिन करो कि मान के चलो कि कोई प्राइम मिनिस्टर सपोज आज बने तो फाइव इयर्स तक रहेंगे नॉर्मली मान के चलो कि कोई एक सेक्रेटरी होते हैं या कुछ तो उनको टू इयर्स टर्म दिया जाता है, दो साल का टर्म दिया जाता है लेकिन ये को टर्मिनस होगा, तो प्रेमिनिस्टर फाइव इयर्स तक हैं, तो इयर्स तक इस टर्म तक वो साथ में रहेंगे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे। अब इस बीच में हो सकता है कि इनका एज खत्म हो जाए यानी कि ये रिटायर हो जाए या फिर उस ढंग का कोई सिचुएशन हो तो दूसरी बात है अदरवाइज को टर्मिनस का मतलब है कि जैसे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से चीजों को क्योंकि क्या है ना कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों को जैसे आप ब्रजेश मिश्र का सुने होंगे नाम

उस लेवल के लिए है वो प्राइम मिनिस्टर के वर्क को डील करने के लिए और ये आईएएस ऑफिसर है ये कोई प्राइवेट पर्सन नहीं है तो इसका आंसर ए आपका हो जाएगा नेक्स्ट है व्हिच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज फिनिश्ड सेकंड इन द रैपिड सेक्शन ऑफ द 53rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड तो ये जो बेल इंटरनेशनल आपका uh, 53rd चेस फेस्टिवल है उसमें जो आपको ये मिला है पी हरिकृष्णा सेकंड रैंक पे आए हैं देखो ग्रैंड मास्टर जो होता है जो वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ठीक है उसके द्वारा ये चेस के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है विश्वनाथन आनंद जो हैं इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं तो एक तो होता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप तो वर्ल्ड के तौर पे ग्रैंड मास्टर जो है जो जो चेस में सबसे हाईएस्ट तो इसका एंसर नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ल डिस्ट्रिक्स इन ओवर ऑल डेल्टा रैंकिंग बाई गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग फोर द फेब्री अ टू जून 2020 पीरियड यानी कि फरवरी से जून 2020 पीरियड के लिए जो आपका है वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका छत्तीसगढ़ का वो टॉप किया है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट 117 डिस्ट्रिक्ट जो है 117 डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे चुना गया था ताकि इन्हें डेवलपमेंट के में इसमें रैपिड रेट पे डेवलपमेंट किया जा सके देखो जो नीति आयोग एक तरह से बना है तो वो बॉटम अप अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच नहीं है जैसे प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन अप्रोच था और जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच का मतलब है है बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि नीचे से आप स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे देखो हर स्टेट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है हर स्टेट का स्टेटस अलग अलग है जस्ट इमेजिन करो कि केरल का एजुकेशन लेवल टू थाउजेंड अलेवन सेंसस के अनुसार नाइन फोर परसेंट है बिहार का बहुत कम है तो बिहार का जो प्राइमरी एजुकेशन का नीड होगा वो केरल से डिफरेंट होगा सेम सिचुएशन हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं या कंट्री में ही कंट्री में 720 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 720 डिस्ट्रिक्ट्स में सारे डिस्ट्रिक्ट्स एक समान नहीं है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है हाईली डेवलप हैं जस्ट इमेजिन करो कि दिल्ली है तो दिल्ली का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो हाईली डेवलप है अब एक जो और उड़ीसा का कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो बहुत कम डेवलप है तो उस अनुसार जो है 117 जो है 117 सौ सत्रह एक्सपायरेशनल चूज किए गए थे तो उसमें से जो छत्तीसगढ़ का जो है बीजापुर वो डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में टॉप किया तो ए इसका आंसर नेक्स्ट है With reference to high impact community development project, consider the following statements: India and Maldives signed signed a contract for setting up Fish था, वो और कोविड 19 के कारण जो है वहाँ स्थिति बहुत खराब है इसी वजह से देखोगे एक ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था भारत सरकार ने ऑपरेशन संजीवनी ऑपरेशन संजीवनी के तहत हमने मालदीव्स को जो इसल मेडिसिन और बहुत सारे इक्विपमेंट्स मेडिकल इक्विपमेंट्स टू टू डील विद कोविड हमने प्रोवाइड किया तो जो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग नेबरहुड कंट्री में हमारा जो मालदीव है नेबरहुड कंट्री है उसमें टू फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और मालदीव ने साइन किया तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट है हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल बी इंप्लीमेंटेड बाई काउंसिल्स तो ये ये भी सही है सिटी और लोकल काउंसिल्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा क्योंकि देखो हर कंट्री का जो जरूरत होता है के लोकल जो है वो उस जरूरत को ज्यादा अच्छा तरह से समझ सकते हैं तो वहां से लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होगा लोकल पार्टिसिपेशन भी होगा तो बी ये इसका सी दोनों वन एंड टू बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट नेक्स्ट वोट इज अस्टॉक वेयर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली तो स्टॉक वेयर जो है ये है एक मोनिटरिंग सॉफ्टवेयर है और स्पाईवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टॉकिंग स्टॉकिंग का मतलब एक तरह से है कि दो चीजें एक हरासमेंट के तौर पे भी देख सकते हो और या फिर एक या तो कमर्शियल पॉलिटिकल और पर्सनल गेन के लिए ये किया जाता है जस्ट इमेजिन करो कि कोई आदमी सपोज ये कर रहे हो कि आप अपने रूम में हो आप अपने प्राइवेट मोमेंट में कुछ कर रहे हो अब आप पे प्राइवेट कैमरा लगा दिया जाए या फिर आपके तो यहाँ चूंकि स्पाईवेयर है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके मोबाइल में कुछ चीजें इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो एक्टिविटी उसे पता चले अब कोई प्राइवेट मोमेंट में अपने फ्रेंड्स uh, फैमिली के साथ है या फिर वो कुछ और कर रहा है अब उस चीज का सारा जो है वो इंफॉर्मेशन वहाँ वो कलेक्ट करे तो ये है स्टॉक बेयर ये स्टॉकिंग के लिए यूज तो आदर ये कॉमर्शियल

टाइप किया है देखो चाइना क्या है होल साउथ चाइना सी है उस पर अपना वो अधिकार समझता है तो उसमें फिशरी के लिए और सारी अदर चीजों के लिए जो है वो वियतनाम ने समझौता किया है यूएसए से तो इसका डी हो जाएगा नेक्स्ट है रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन अवेयरनेस प्रोग्राम एमिड एम सॉरी एम्ड एट इंश्योरिंग रेसिडेंसेस ऑफिसेस आपका है, देखो, जो है कमिंग में मार्च से अप्रैल मे जून ये सब महीने में दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे अर्थक्वेक आए हाँ वो छोटे छोटे थे उनके इंटेन्सिटी कम था जिससे की कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ बट स्टिल अवेयरनेस जरूरी है ताकि इन प्रिकॉशन प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सके कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो इवेक्यूएशन और सारी चीजें की जा सके तो ये है देखो अर्बन हीट आइलैंड जो होता है अर्बन हीट आइलैंड जो होता है जो अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो लोकल यानी कि जो अर्बन अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया में रूरल एरिया के कंपैरिजन में अधिक हीट हो अधिक गर्मी हो गर्मी के मौसम में क्योंकि क्या होता है कि जो आपका रूरल एरिया होता है तो वहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं ओपन स्पेसिस होते हैं तो वो गर्म नहीं होता लेकिन अर्बन एरिया में या मेट्रोपॉलिटन एरिया में सारी चीजें अब कंक्रीट का बना दिए हो तो वो जो हीट जो है वो उसमें सारे और स्पेसिस कम होते हैं कि प्रॉपर तरीका से वेंटिलेशन से लेकर के तो वो अर्बन हीट आइलैंड डेवलपमेंट हो जाता है तो लेकिन इसमें जो है आपका बी है आंसर अर्थक्वेक नेक्स्ट वरुण श्रीधर has been appointed as the CEO of uh, uh, which सीईओ ऑफ आर दरुण ये आपका वरुण सिर जो है वो पेटीएम मनी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं देखो ये सारे के सारे जो है एक तरह से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेस जो है प्रोवाइड ये कंपनियां कर रही हैं। तो ये पेटीएम मनी है ए। Consider the following statements about करंबिर चक्रवार्ड. देखो एक होता है परंबिर चक्रवार्ड. तो परंबिर चक्र जो एग्जाम्प्लेरी करेंस बैटल फील्ड में इंडिया आर्म फोर्सेस को दिया जाता है. तो ये है. लेकिन करंबिर चक्रवार्ड. तो रिसेंटली सुनील यादव वाज अवार्डेड. तो ये सही है. It has been constituted by United Nations and International Confederation of NGOs. ये भी सही है. तो both वन एंड टू हो जाएगा ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ए पी जे अब्दुल कलाम से मोटिवेशन मोटिवेटेड अवार्ड एक तरह से है ठीक है तो ये आपका uh, इसका सी हो जाएगा बोथ वन एंड टू नेक्स्ट है रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आरएस 5000 करोड़ बैंगलुरु लाइफ साइंसेस पार्क इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई ट्वेंटी तो इसका आपका दस uh, क्वेश्चन हो गए इस दस क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं आई होप एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस हैव है नाइस डे